अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में सो अपन टॉस के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्यों बोले तो टॉस के रिगार्डिंग कई सारे सब्सक्राइबर रिजल्ट रिजल्ट बोल के कमेंट कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड देन जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी, लॉकडाउन हटा दी, आज से आप लोगों को क्या है पूरा 12 घंटे मतलब 24 आवर्स ओपन है। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है सो जुलाई की 1st से स्टार्ट हो जाने वाले हैं, उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। एंड देन आप इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड देन इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग एडमिशंस अपडेट, फिर देन OU JNTU रेगुलर सबली बैकलॉग और पोस्टपोन्ड एग्जाम्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। तो जैसा कि क्या है बोले तो टॉस के रिगार्डिंग है ना, कई सारे बच्चे कॉल्स कर रहे, कमेंट कर रहे, सर टॉस की कुछ अपडेट है। टॉस की आप रिसेंटली पहले बोले कि बच्चों को पास करके प्रमोट कर दे रहे हो, बोले फिर अभी तक रिजल्ट नहीं आया कई को ऐसा। अब फिर लॉकडाउन हट गया तो हो सकता है एग्ज़ाम्स ये लोग कंडक्ट कर दे सकते हैं। तो देखो भाई, अभी तो वो लोग ऐसा सोचे और वो लोग सेकेंड ईयर के उसमें बिजी है। ओके, सेकेंड ईयर एंड देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेने के UG PG के उसमें बिजी है। तो हो सकता है आप लोगों का जैसा कि इंटर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो आपके उसमें बातचीत होगी, या फिर आपको और जल्दी है तो आप क्या करिए, NSUI मेंबर्स से कांटेक्ट करिए, प्रोटेस्ट करिए, हमको जल्दी इंसाफ दीजिए, रेगुलर बच्चों को पास करे तो हमें भी पास करिए बोल के देखिए। तो आपको जल्द से जल्द आपको जो भी अपडेट है आपको आ जाएंगी, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। क्यों बोले तो अब बीच में एक और एक सब्सक्राइबर गुस्से में आ जा रहे थे कि सर आप पहले पास हो जा रहे, बोले फिर अब आप बोल रहे कि एग्ज़ाम्स लेंगे या नहीं लेंगे। बोले तो मतलब देखो, ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखे तो अपने को स्टिल कंडक्ट एग्ज़ाम बोल के बता रहा। और देन उर्दू न्यूज़ और तेलुगू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए कि बच्चों को प्रीवियस बेसिस पे जैसा कि पास कर रहे थे वैसा पास करेंगे बोल के। तो जैसा भी मैं एक ऑफिशियल अपडेट आएंगे मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। ओके, रही बात इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का रिजल्ट है सो ये वीक में आ जाएगा अपने को। तो मैथ्स आज 21 है ना, आपको 28 तक रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट जो है सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को एक साथ आएगा। ओके, क्यों बोले तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी क्या है बार बार कमेंट करके पूछ रहे सर हमारा रिजल्ट कब आता है, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे बोल के। तो आपको ये वीक में आ जाएगा इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट। एंड देन रही बात जैसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसके एक दिन के बाद से आपका डिग्री के दोस्त नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या है आप तेलंगाना के पूरे यूनिवर्सिटीज़ में आगे के फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर ले सकते। और रही बात और एक अपडेट क्या है बोले तो TSE इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग, जो भी BC ग्रुप के रहते बैकवर्ड क्लास के, तो उन लोगों के लिए क्या है बोले तो 10th हो गया उनको इंटरमीडिएट एडमिशंस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेते फ्री एजुकेशन के लिए, वो स्टार्ट हुए मतलब चल रहे थे अभी एक्सटेंड हुए। और सेम वैसी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया सो वाले डिग्री में एडमिशन लेते ना वो भी कंप्लीट हो गया सो उन लोगों को भी क्या है बोले तो एडमिशंस 2 बार अभी तक पोस्टपोन्ड है। तो अभी तक आप एडमिशंस नहीं लिए तो आप जाके ज़रूर एडमिशन लीजिए और ये इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पता नहीं क्यों किसी के काम में आ जाए। अब रही बात JNTU एंड OU के रिगार्डिंग, JNTU एग्ज़ाम्स अपडेट के रिगार्डिंग बात करें तो ऑलरेडी JNTU वाले क्या कर रहे थे, सब चीज़ की तैयारी कर दिए तो एग्ज़ाम्स लेने वो लोग रेडी है। तो आर्टिकल में ये बोलना चाह रहा कि जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी, लॉकडाउन वो हटा के जुलाई की 1st से हो सके तो पूरे इंस्टीट्यूशंस भी खुल जाएंगे। तो अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है सो जुलाई 1st से स्टार्ट होंगे बोल के JNTU वाले डिसाइड कर रहे, और ऑल यूनिवर्सिटीज़ वाले भी क्या कर रहे सोच रहे मतलब एग्ज़ाम्स लेंगे जुलाई की 1st से बोल के तैयारी कर रहे। तो JNTU वाला क्या है बोले तो फाइनल ईयर के लिए नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफिकेशन में ये बोला कि वो लोग एग्ज़ाम्स जुलाई 1st वीक में लेंगे या जुलाई की 1st से लेंगे, मगर अभी तक क्या है आपको टाइम टेबल नहीं आया, आपको 1 या 2 दिन में टाइम टेबल आ जाएगा। तो और एग्ज़ामिनेशन फ़ी का भी डेट्स आ गए तो एज़ पर डेट अपने को देखना है। एंड देन रही बात आपको पहले 4-2 के एग्ज़ाम्स रहेंगे,
ठीक है, 4-2 के एग्ज़ाम्स रहेंगे आपको, देन उसके बाद में दूसरे एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो अपने को क्या है देखना है, तो पूरे यूनिवर्सिटीज़ वाले भी क्या करें, सेंटर्स एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो इस एग्ज़ाम्स लेना है। क्यों बोले तो फाइनल ईयर को पहले एग्ज़ाम्स लेके हटा देना है। क्यों बोले तो उन लोगों को एग्ज़ाम्स लिए तो क्या है, वो लोग आगे फर्दर जॉब्स स्टडीज़ जो भी करना है उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अब और एक अपडेट क्या है बोले तो 4-2 के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग थी, या 4-1 के भी बस के रेगुलर के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे ड्यू टू लॉकडाउन। तो अब ये क्या है, पास आउट ईयर के साथ 4-1 4-2 सेम के दो भी एग्ज़ाम्स लेंगे। तो अपने को 2 या 3 दिन में आपको क्या है बोले तो टाइम टेबल रिलीज़ हो जाएगा। क्यों बोले तो अभी आपको 10 दिन है जुलाई 1 को, तो जुलाई 1 से ना, तो जुलाई 1 वीक से क्यों बोले तो ऑलरेडी ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने वाले थे, सब चीज़ से रेडी है। अब तो क्या है, गवर्नमेंट जो है सो लॉकडाउन भी हटा दी, तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स लेने से कोई नहीं रोक सकते। तो अब देखना है ये लोग 4-1 4-2 और के तो एग्ज़ाम्स पहले लेंगे। फिर रही बात जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है, उन लोगों के 1st 2nd 3rd ईयर में भी बैकलॉग्स होंगे, तो वो भी हो सके तो जुलाई के एंडिंग तक या अगस्त की 1st वीक तक लेके रैप अप कर देंगे बोल के डिस्कशन चल रहा। देन और एक अपडेट OU उस्मान यूनिवर्सिटी डिग्री PG स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, तो PG के तो रिगार्डिंग ऑल नोटिफिकेशन आ गए, मतलब PG के एग्ज़ाम्स लेने वाले जो कि बैच 2015 से 2016 का बैच है उन लोगों को बैकलॉग है, सो वालों को भी एग्ज़ाम्स लेंगे बोल के PG का, तो आपको अपडेट आ गई। अब रही बात UG को क्या है, खाली ओनली फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स ले रहे फिल वक्त, मतलब अपने क्या है 6th सेम का जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स है वो ले रहे, फिर देन आपको हो सके तो 5th सेम के भी लेंगे। क्यों बोले तो एग्ज़ाम्स लास्ट टाइम नहीं लिए ना आपको, तो वो हिसाब से। तो अब रही बात बैकलॉग्स के रिगार्डिंग भी, आपको जैसा कि अब ये एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको बैकलॉग्स भी लेना पड़ेगा। क्यों बोले तो आपको फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होते के साथ ही अब उसको पूरे पेपर्स क्लियर करा तो इन्हें क्या है जॉब कर सकेंगे ना। तो एज़ पर डेट आपको क्या है, हो सकता अपने को ये भी चीज़ आ जाती। तो अब अपने को टाइम टेबल के लिए वेट करना है, एग्ज़ाम फी नोटिफिकेशन आ गई OU की, अगर आप अभी तक नहीं पे करें तो आप अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से आप ज्वाइन करके फीसेस पे कर लीजिए। क्यों बोले तो एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली होने वाले, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी बोले तो लॉकडाउन हटा दी ना, तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम्स के लिए, और स्पेशली JNTU HK 4-1 4-2 के एग्ज़ाम्स एंड देन बैकलॉग्स भी होंगे। एंड OU के रिगार्डिंग भी यही अपडेट है, अगर आप OU का है सो अभी तक अपने को टाइम टेबल रिलीज़ नहीं हुआ, इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगा। क्यों बोले तो अभी थोड़ा टाइम है ना, 10 दिन का, तो जुलाई की 1st वीक या फिर जुलाई 1 से आप लोगों को एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ समझने आ गए होंगी, कौन सी चीज़ क्या है। ज़रा टॉस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सब्र है, फिर इंटर का रिजल्ट आपको ये वीक में आ जाएगा, फिर ये वीक में आपको है सो पूरे टाइम टेबल्स JNTU HK OU के भी आ जाएंगे। तो फिर अपने को देखना है एग्ज़ाम्स कैसा रहेंगे क्या रहेंगे। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।